गया के विष्णुपाद मंदिर में जो आज मुख्यमंत्री जी गए थे और उनके साथ इसराइल मंसूरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो भी उस मंदिर में गए थे। वो मंदिर को विधर्मियों के द्वारा अपमानित किया गया है। मंदिर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं प्रवेश कर सकते हैं। गया के मंदिर में स्थानीय प्रभारी मंत्री इसराइल मंसूरी साहब के प्रवेश को लेकर के जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बकलोल जी का बयान आया है वो अपने आप में हास्यपद है। हिंदू धर्म सनातन धर्म स्पष्ट तरीके से कहता है कि सभी मानव एक हैं, सब एक साथ रह सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BeforePrint.in। मेरा नाम है नमन अग्रवाल। गया के विष्णुपद मंदिर में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के प्रवेश को लेकर मचे बवाल के बीच अब हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल पर हमला बोला है। उन्होंने बचोल को बकलोल कह दिया है। दानिश रिजवान ने कहा कि गया के मंदिर में स्थानीय प्रभारी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के प्रवेश को लेकर जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर बकलोल जी का बयान आया है वह अपने आप में हास्यास्पद है। हिंदू धर्म स्पष्ट तरीके से यह कहता है कि सभी धर्म एक हैं और वे एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारतीय एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके जहरीले बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। उनके साथ मंत्री इसराइल मंसूरी भी मौजूद थे। विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम की एंट्री से एक बार फिर नीतीश सरकार मुश्किलों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की आलोचना भी हो रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स भी आने लगे हैं। इस मौके पर मंसूरी ने कहा था कि मेरा संयोग है कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया था। गया के मंदिर में स्थानीय प्रभारी मंत्री इसराइल मंसूरी साहब के प्रवेश को लेकर के जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बकलोल जी का बयान आया है वो अपने आप में हास्यपद है। हिंदू धर्म सनातन धर्म स्पष्ट तरीके से कहता है कि सभी मानव एक हैं, सब एक साथ रह सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करके उन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है। कुछ लोगों को ये लगता है कि बिहार में जिस तरीके से सामाजिक एकता है उसको बिगाड़ दे तो मैं हरिभूषण ठाकुर टाइप बकलोल लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपकी ये जो जहरीली बयानबाजी है ना, ये बिहार के सीमा के बाहर ही चले तो अच्छा है। अगर बिहार में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करिएगा तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण लोग करने वाले लोगों की जगह बिहार का जेल है। बिहार में ऐसे खुले सांड नहीं घूम सकते हैं जो सूबे को सांप्रदायिक जहर के अंदर घोलने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।